नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ कविता उपाध्याय। हमारे साथ में जिला अध्यक्ष जी हैं युवा मोर्चा के, शाहदरा जिला के पंकज कोचर जी। आज हमारी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनको चुना भी इसीलिए गया था, शायद हम लोगों ने इसीलिए चुना था कि पढ़े लिखे हैं, दिल्ली का भविष्य सुधारेंगे। एक फैसला उन्होंने हाल ही में लिया है कि 25 वर्ष से कम कर दी गई है उम्र, 21 वर्ष कर दी गई है, आप कहीं से भी शराब खरीद सकते हैं। ऐसे में युवा नेता हैं हमारे साथ में, इन्हीं से जानेंगे क्या लगता है, पढ़े लिखे हैं, हायर एजुकेटेड हैं, और टू द पॉइंट बात करते हैं। आज इन्हीं से मिलेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे युवाओं के लिए, ये किस तरीके की उन्होंने ऑफर या ऑप्शन खोल दिया है, रोजगार नहीं और नशा? देखिए, मैं आपके टीवी के माध्यम से सिर्फ बार बार केजरीवाल को क्रिटिसाइज़ करता हूँ, और आज एक ऐसा स्टेप उसने लिया है, वो एक ऐसा असंवेदनशील आदमी है। जिस देश में युवाओं को रोजगार की तरफ प्रेरित करना चाहिए, शिक्षा की तरफ प्रेरित करना चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य की तरफ प्रेरित करना चाहिए, हमारे मोदी जी स्वास्थ्य के लिए क्या क्या कर रहे हैं, युवाओं को योगा सिखाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, अच्छे खाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, घर घर तक हमारा सांसद भोजन 1 रुपये में पहुँचा रहा है, जिससे कि युवाओं का स्वास्थ्य ठीक रहे, और दूसरी तरफ ये केजरीवाल है जो प्रेरित कर रहा है कि आप 20 साल में नशाखोरी में पड़ जाओ और अपनी ज़िंदगी, अपने परिवार की ज़िंदगी, अपना करियर पूरा तबाह कर दो। मुझे लगता है कि दिल्ली वालों को फिर से सोचना चाहिए कि किस व्यक्ति को आपने वोट दिया था, क्या ये व्यक्ति वोट देने के लायक था। आज ये विचारणीय है, आपको फिर विचार करना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति जो युवाओं को, देश के युवाओं को, दिल्ली के युवाओं को नशे की तरफ आकर्षित कर रहा है, और 21 साल उम्र करने का क्या मतलब है? अरे, इतने दिल्ली में इतने काम हैं, आप कामों की तरफ ध्यान दो। MCD को फंड आप नहीं दे रहे, उसकी तरफ ध्यान दो। ये कोई मुद्दा भी नहीं था, मगर मुझे लगता है कि ये ऐसा CM है, ये चाहता है कि दिल्ली का युवा नशे में पड़ा रहे और नशे में जाकर मुझे वोट देता रहा है और मैं अपनी सरकार को चलाता रहा। कोचर साहब, बिल्कुल आपने टू दी पॉइंट कही, लेकिन क्या लगता है, जब हमने ये चुना था और ये देखा था कि पढ़े लिखे व्यक्ति को चुन रहे हैं, भविष्य और बेहतर होगा, रोल मॉडल वो दिल्ली को बताते हैं, क्या लगता है दिल्ली भी उड़ने लगेगी पंजाब की तरह? देखिए, मुझे लगता है कि पढ़ा लिखा, हमें लगता था, सभी को लगता था तब, कि शायद जिस तरह की बातें केजरीवाल जी कर रहे हैं, शायद दिल्ली को नया स्वरूप देंगे, भारत की राजनीति को नया स्वरूप देंगे, मगर इतनी घटिया तरीके की राजनीति करेंगे सोचा नहीं था। और मुझे लगता है कि दिल्ली वाले भी परेशान हैं। अब उन्होंने स्टेप तो ले लिया, क्योंकि 5 साल तो झेलना पड़ेगा इस आदमी को, मगर जिस तरीके की राजनीति, घटिया राजनीति ये कर रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में दिल्ली के वासियों को, युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो हमारे और आपके परिवार का भविष्य इस आदमी के हाथ में सुरक्षित नहीं। सर, क्राइम बढ़ेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, तो क्या होगा भविष्य? आपने एक ही बात अभी कही, सबका साथ सबका विकास लेकर के मोदी जी चलते हैं, ऐसे में युवाओं को पीछे आप धकेल रहे हैं, क्या हाल दिल्ली का? देखिए, दिल्ली का हाल तो सबके सामने है। जो आदमी दिल्ली के युवाओं को नशे के लिए प्रेरित कर रहा है, क्या मतलब है 21 साल की उम्र करने का? मुझे लगता है कि आप इस खुद, मेरे को लगता है एक इंटरव्यू आपको इनसे भी करना चाहिए कि क्या इस निर्णय के पीछे सोच है कि 25 साल से 21 साल कर दी। क्या चाहते हो कि दिल्ली का युवा काम छोड़कर, अपने काम धंधे छोड़कर, अपना शरीर के ऊपर ध्यान ना देकर शराब पीना शुरू कर दे? सर, लाइसेंस को भी इजी मोड में कर दिया कि आप लाइसेंस इजीली ले सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी ना किसी तरीके से पैसा आ जाए मेरे पास, और एक्साइज ड्यूटी से, इस तरीके से, अलग अलग तरीकों से वो पैसा कमाना चाहता है। मुझे लगता है कि इस दिल्ली के युवाओं को नर्क में ढकेला जा रहा है और इस नर्क से वो खुद पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है, साफ संदेश है केजरीवाल का। बिल्कुल सही बात है। पंकज कोचर जी की बात आपने सुनी, युवाओं को लेकर के हमेशा से प्रेरित करते रहे हैं, भविष्य को लेकर के हमेशा से चेतना जगाते रहे हैं लोगों के बीच में। सर, चलते चलते यही पूछूंगी, नई टीम आ गई है, लगातार आप लोगों के बीच में है, युवाओं की आवाज़ आप सुनते हैं, आप भी उनमें जोश भरते हैं, ऐसे में राम मंदिर के लिए जो आप लेकर के आए हैं ट्रस्ट, वहाँ आप चंदा इकट्ठा कर रहे हैं बेसिकली BJP या RSS मिलकर के, ऐसे में कुछ फर्जी लोग भी अपनी रिसिप्ट लेकर के निकल रहे हैं, कैसे अवेयर करेंगे आप? देखिए, मैं इस चीज़ को बहुत आपके टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो ये फर्जीवाड़ा चल रहा है, पहले तो उन लोगों को चेतावनी है कि ये फर्जीवाड़ा को बंद कर देना, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा हमारे दिलों से जुड़ा हुआ है, भारतवासी के दिल का मुद्दा है। अगर इसके खिलाफ कोई भी फर्जीवाड़ा हुआ और पकड़ा गया आदमी, तो
भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा बख्शेगा नहीं, और इस फर्जीवाड़ा कम से कम इस देश में भगवान राम के नाम पर तो फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। मेरा उन फर्जीवाड़े करने वालों से निवेदन भी है और चेतावनी भी है, अगर इस काम को करते हुए पकड़े गए तो भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा आपकी ईंट से ईंट बजा देगा और घरों तक घुसने की क्षमता रखता है, तो इस काम को आप कीजिएगा मत। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जोश देखा और सत्य पर सारी बात कही, टू दी पॉइंट बात करते हैं। पढ़े लिखे हमारे युवा जो हैं वो इसी तरीके की बात करते हैं, और सोचना आपको भी पड़ेगा, हम महिलाओं को भी सोचना पड़ेगा और उन पुरुषों को भी कि हमने दिल्ली को किन हाथों में सौंप दिया है, फैसला हमें लेना है अब भविष्य में।